भाई ये खड़ा है मेरे पास आज हैरियर का टॉप से एक नीचे मैनुअल में। और भाई इसका आज ओनर से प्रीव्यू करेंगे अपन। इसकी कुछ चाबी ऐसे टाटा की, ये कवर लगा रखा है, लॉक अनलॉक ठीक है, बूट का और लाइट का ठीक है। और यहाँ पे ओनर भी है हमारे साथ, दीपक भैया। भाई ये आपने 2020 में लिया हुआ था, अब ये आज 32 लाख का, मतलब जो टॉप मॉडल इसका 32 का आ रहा है, टॉप से एक नीचे 30 का आ रहा है ठीक है। तो अभी जैसे आगे इसका फ्रंट फेशा चेंज कर दिया है, तो उसमें आपको कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है या ये ज़्यादा बेटर लगता है उसका? नहीं यार, बेटर तो है वो, देखने में तो काफ़ी अच्छा है वैसे। अच्छा, और उस टाइम पे आपने जब ये ली थी तो इस कंपटीशन में वो आती है हेक्टर, उस टाइम पे हेक्टर चल रही थी सेम प्राइस रेंज में ठीक है, तो वो क्यों नहीं ली? एक्टर इसलिए नहीं ली क्योंकि एक तो यार अपना ये देश का लोहा है बात, तो दूसरा ना मैंने थोड़ा चाइनीज सुना हुआ था, इस वजह से थोड़ा भरोसा कम था। हाँ, तो कितनी चला दी आपने? जैसे 4 साल हो गए आपको लगभग, तीन साल कुछ। ये मेरी लगभग 63,000 चल रही है। अच्छा, रनिंग ठीक है, डीजल में ली है जैसे? अब डीजल में ही आती है, एक तो पहली बात तो ये डीजल में ही आती है, एक तो ये भी फर्क पड़ता है इसमें ठीक है। वैसे अगर पेट्रोल में आती तो आप पेट्रोल लेते, प्रेफर करते हैं डीजल? डीजल ही, डीजल में टॉर्क अच्छा आता है ना, मतलब अच्छा अच्छा जो मिलता है पिकअप का वो थोड़ा बढ़िया होता है। और फिर प्लस में इसके पॉजिटिव क्या है ये बताओ कि आपको इतने साल हो गए, 3 साल गाड़ी चलाते हो, तो क्या फर्क लगता है गाड़ी में जैसे चलाते हो? मतलब किस चीज का फर्क चलाने में कैसी है गाड़ी में? चलाने में तो 2000cc का इंजन है, सेम इंजन आता है एक्टर में भी, एक्टर में भी सेम आता है, इसमें भी सेम है इंजन, सेम आता है। थोड़ी बल्कि है ये, रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी है इसकी। हाँ ये मैं मान सकता हूँ, हाँ बल्कि लगती है आगे से। थोड़ी मेरे को पर्सनली पसंद थी गाड़ी, मतलब बहुत टाइम से लेने की सोच रहे थे तो फिर जाके लास्ट में यही ली। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे भाई? इससे पहले मेरे पास थी मोबिलियो चलाई हुई है मैंने, मेरे पास फोर्ड की थी, एस्पायर थी। अच्छा, फोर्ड के बाद शिफ्ट हुए इस पे? फोर्ड के बाद इस पे शिफ्ट हुआ, सेडान से सीधा एसयूवी आ गया था। एसयूवी लेने का ही मन था फिर तो? नहीं, बस थोड़े चांसेस ऐसे बन गए कि वो बेच के लेनी पड़ी। अच्छा, वो बेच दी, उसमें कुछ कमी थी, फिर किसी नोन को वो गाड़ी लेनी थी हमारे, तो वो बेच दी, फ्री ले ली। सेडान में मन नहीं था फिर जाने का या सिर्फ एसयूवी का ही था आपका? जैसे अगर सेडान के ऑप्शन भी थे उस टाइम पे, एक्चुअली क्या था ना, एस्पायर बेचने के बाद ना मेरे पास दो ऑप्शन थे, तो ऐसा था, एक तो नेक्सॉन लेनी थी। हाँ, फिर मैंने कहा घर में बात चली नेक्सॉन वगैरह लेने के लिए, मैंने कहा नेक्सॉन लेंगे फिर 2-4-5 लाख रुपए और खर्च कर लेते हैं ऊपर के, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ, बड़ी गाड़ी जैसे ये है तो फिर हैरियर ली। तो इसमें जब आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? ₹25,000 प्लस में आपने एसेसरी वगैरह जैसे लगवाई थी तो कुछ उन्होंने फोर्स करा था? टाटा कहते हैं कि हाँ भाई लगो, नहीं ऐसा कोई फोर्स नहीं था। और बाकी मैंने कोई एसेसरी लगवाई भी नहीं है ज्यादातर, टाटा से कुछ लगवाया ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी लगाई, ये थोड़ी क्रोम वगैरह दिख रही है ना। हाँ हाँ, ये क्रोम वगैरह लगवाई थी बस, बस और कुछ नहीं। और ये जो बैजिंग आती है हैरियर की, हाँ हाँ हाँ, इसमें क्रोम आती है, मैंने ब्लैक लगवा लिया। ये ब्लैक लगवाया है या मतलब उनसे ही? नहीं, डार्क एडिशन में ब्लैक आता है, पर हाँ डार्क में आता है वो, मैंने हटवा के ये ब्लैक लगवाया। तो अब मोटा मोटा आप लगा लो, अब 10 लाख ऊपर आ रही है, तो अब आपको लगता है अगर आपके पास पैसे हो तो 30 लाख की आप लो? मैं तो अगर बदलूंगा तो दोबारा ले लेता है, अगर आप बदलने का है नहीं प्लान, पर मैं बदलूंगा तो दोबारा दे दूंगा, मतलब बदल के वापस हैरियर ही लोगे? अब तो बहुत बढ़िया है, तो फीचर वगैरह सब चीज बढ़ गए, फीचर तो बढ़ गए। वैसे इसकी स्क्रीन में जैसे लैग वगैरह बताते हैं इसमें तो है, इसमें है तो। अंदर बैठ के बात करते हैं, अंदर क्या क्या है इसमें? ये चाबी रही मेरे पास, ये चाबी जैसे इसमें आते हैं, जैसे ये कवर है, सीट ये कवर मैंने लगवाए हुए हैं बाहर से, ये बाहर से लगवाए हुए हैं, ये टाटा के नहीं है ना? नहीं, ये टाटा के नहीं है, तो बाहर से लगवाए, क्योंकि इस मॉडल में ना सीट कवर आते नहीं थे। हाँ, इससे ऊपर वाले मॉडल में ये सीट कवर वगैरह लेदर थे, ये भी सब लेदर आता था। हाँ, ये चीजें लेदर, ये भी लेदर सारा। अच्छा, ये काम बाहर से करवा रखे हैं। लाइट बाहर से लगवाई हुई है या वैसे ही आती है? ये लाइट तो व्हाइट ही आती है, बाकी मैंने हेडलाइट चेंज कराई है, बल्ब चेंज कराए। अच्छा, बल्ब चेंज कराने पड़े, एलईडी लगवाए। हेलोजन आती है उसमें? एक हाँ हेलोजन आते हैं इसमें, टॉप मॉडल में आते थे व्हाइट, एक बल्ब व्हाइट आता है, लो बीम या हाई बीम में से कोई एक आता है। अच्छा 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 अच्छा, तो वो चेंज कराना था। बाकी चालू करके देखते हैं गाड़ी को, स्टार्ट करूँ? हाँ।
ये जैसे एनालॉग आता है टॉप मॉडल में तो मीटर भी अलग था उस टाइम पे। उस टाइम में ये मीटर तो अपना आता ही आता था। हाँ। ये पूरा डिजिटल था इसके बाद वाला, मतलब ये इतना हिस्सा डिजिटल था। हाँ। ये एनालॉग ही था, ये एनालॉग था, वो डिजिटल आता था बस। ये लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट वाला था। और वो ही इसमें डीएफ भी डलता है। और डीएफ भी डलता है इसमें। डीएफ का खर्चा कितना आ जाता है? 3-4 महीने में डलवाना पड़ता है एक बार। 15 लीटर आता है इसके अंदर। 15 लीटर आता है सर्विस पे डलता है? नहीं नहीं, बीच में भी डलवा सकता हूँ, कभी भी डलवा लेता हूँ बीच में जब कम हो जाता है। अब ये बता सर्विस कैसी लगी टाटा की? सर्विस एक्चुअली मेरा क्या है, सर्विस सेंटर में थोड़े मेरे रिलेशन थोड़े अच्छे हैं, नोन से हैं, तो मेरे को तो कोई दिक्कत होती नहीं है सर्विस सेंटर में वैसे तो। कहते हैं सर्विस बाकी इधर जो अपना भिवाड़ी में जो है वो सर्विस सेंटर ठीक है, और मैं जनरली उस पे कराता हूं एक ही ऑटोमोबाइल पे। अच्छा, मेरे को वहां पे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सर्विस में, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी टाटा ने जैसे। बाकी कई जगह लोगों को दिक्कत होती है, उनके साथ पता नहीं एक्सपीरियंस अलग हुए होंगे, पर मेरे साथ तो बढ़िया है एकदम। जैसे कईयों की गाड़ी में दिक्कत भी है, स्पेशली 2020 वाले वेरिएंट में आपने देखा हो तो। 2019 में थे, 2020 में दोबारा लॉन्च करा था, इसमें भी है थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई थी, कई लोगों की दिक्कत थी, ब्रेक पैड वगैरह खा जाती थी, किसी का क्लच जल गया था। अब मेरी देख लो 63,000 चल गई, 64,000 होने वाली है, क्लच एकदम परफेक्ट है। आज तक चेंज नहीं कराई? ब्रेक पैड एक बार चेंज हुए अभी तक। अच्छा, ब्रेक पैड एक बार चेंज हुए? चेंज हुए बस अभी तक। और डिस्क वगैरह? डिस्क प्लेट भी नहीं डली एक बार भी। जैसे इसमें आगे दोनों डिस्क आते हैं? आगे दोनों डिस्क है। और दोनों ड्रम है पीछे? पीछे दोनों ड्रम है। ठीक है, पर हेक्टर में इस जगह आप देखो तो 2019-20 के जो वो वेरिएंट थे उसमें दोनों पीछे भी डिस्क थे और आगे भी डिस्क थे, इस चीज का फर्क था। उस चीज का फर्क था हाँ। तो वो चीज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपको कि ब्रेकिंग में, ब्रेकिंग में मुझे इतना तो कभी कुछ लगा नहीं, मेरे साथ मैंने बहुत कई बार एकदम लगाने पड़ गए ब्रेक जल्दीबाजी में भी, तो कभी ब्रेक का लगा नहीं ऐसा मुझे। अच्छा, पर इसको जैसे इसमें आते ही इको स्पोर्ट्स नॉर्मल मोड सिटी मोड आता है तो वो प्रैक्टिकल लगता है या नहीं लगता, उसमें कुछ फील होता है? बहुत फर्क है, स्पोर्ट्स में तो बहुत फर्क है। चलाते हो स्पोर्ट्स में? चलाते हो? मैं नहीं चलाता स्पोर्ट्स में, नॉर्मल चलाता हूँ सिटी में। अच्छा, स्पोर्ट्स में कभी कभार ही चलाइए, पर स्पोर्ट्स में बहुत फर्क हो जाता है। हाईवे पे चलाते हो स्पोर्ट्स में या कैसे? नहीं सिटी में चलाता हूँ, एक स्क्रूज लगा लेता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में जब ड्राइव करते हो तो फर्क पता चलता है पूरा प्रॉपर? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, ज्यादा फर्क है। हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की? हैंडलिंग स्पीड पे इसमें थोड़ा दिक्कत है इस वाले मॉडल में, अब जो है वो तो कर दिया है इलेक्ट्रिक कर दिया है, इसमें हाइड्रोलिक था। हाँ, हाइड्रोलिक तो होता है इसमें। स्पीड में जाके थोड़ा सा लाइट हो जाता है स्टीयरिंग, काफी लाइट हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा सा फर्क दिखता है। बाकी मैं तो यूज टू हो गया चलाने का, तो नया वो तो बैठेगा तो उसको पहली बार में लगेगा। हाँ, वो तो फर्क पड़ता है। इसमें एयरबैग भी 6 आते हैं इस वाले मॉडल में? 2 हैं इसमें, 2 आते थे टॉप से, इसमें 2 आते थे, इसके ऊपर वाले में 6 आते थे। अच्छा, टॉप में ही? टॉप में ही, टॉप में आते हैं, टॉप में ही। अब तो स्टैंडर्ड कर दिए, अब तो स्टैंडर्ड कर दिए, वो तो नियम हो गए बस गवर्नमेंट की इस वजह से। बाकी ये जो स्क्रीन है अब तो देखो, उस टाइम पे तो छोटी आया करती थी, काम इतना ही करती है ये वाला हिस्सा है, इसमें यहाँ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी काम इतना ही करती है उसकी भी। अच्छा, वो बस डिस्प्ले का साइज बड़ा कर दिया है, काम इतना ही होता है, अगर उसमें कार प्ले चलाओगे इतने में ही चलेगा जितने में ये डिस्प्ले है। अच्छा जी, बाकी में ये हिस्सा आ जाता है उसका, ये वाला हिस्सा है ना, ये इधर आ जाता है, कार प्ले इतने में चलता है उसमें भी। अच्छा जी, तो ये लैग लगती है नहीं लगती? शुरू में दिक्कत हुई थी तो मैंने इसका ये कंसोल बदलवाया भी था, वारंटी में चेंज हुआ था, इसके पीछे इतना बड़ा कंसोल डलता है, तब डलवाया था, बाकी अभी तो ठीक है मेरा। अच्छा, चेंज हो रखा है एक बार, वारंटी में चेंज करा देता, बाकी अभी तक ठीक है। पहले बहुत दिक्कत आई थी शुरू में, अब नहीं है दिक्कत। वारंटी कितने इयर्स की देती है वैसे? इसकी 2 साल की थी वारंटी और 1,00,000 किलोमीटर की थी, मैंने इसको एक्सटेंड करा के 5 साल करा दिया है, अनलिमिटेड किलोमीटर है। अच्छा, तो आप कोई इशू नहीं है 5 साल तक के अपने, या 3 साल आपने चलाई ली है? अभी भी इसमें एक दिक्कत आई थी थोड़ी सी। हाँ? वो वारंटी में हो गया था मेरा काम। क्या दिक्कत आई थी? यहाँ पे कोई लॉक वगैरह डलता है जिससे ये छोड़ता है इसको, स्विच को। उसके बाद ही बैटरी ऑन होती है तब गाड़ी स्टार्ट होती है। हाँ? वही क्लॉक स्प्रिंग वगैरह थी इसमें डलती है, तो वो चेक कराई थी, वारंटी में चेंज हो गई थी। वारंटी में चेंज हो गई थी? चेंज हो गई, मतलब सुनवाई है टाटा? हाँ, तुरंत हो गई थी। कितने दिन में गाड़ी दी थी ये? तुरंत दे दी थी चेंज करके? मैंने जैसे आज दी है तो मेरी 3 या 4 दिन में दे दी थी उन्होंने गाड़ी। ऑर्डर लगाया था, फास्ट डिलीवरी का ऑर्डर लगाया था, 1-2 दिन में ऑर्डर आ गया, 3 दिन में उन्होंने डाल के और 1 दिन टेस्टिंग वगैरह करके दे दी अगले दिन गाड़ी।
स्पेस कैसा लगता है, जैसे पीछे सिटिंग का है, जैसे फैमिली बैठती है तो कैसे लगी रहा है? स्पेस तो है, मतलब हेक्टर से कम है इसमें स्पेस। फाइव सीटर बनाई हुई ना, फाइव सीटर है तो हेक्टर भी फाइव सीटर है, हेक्टर प्लस है सेवन सीटर। हाँ, प्लस सेवन सीटर है। तो ये दोनों एक ही सेगमेंट के वो है। अब हेक्टर भी 31 लाख रुपए की आ रही है। अभी तो देखो, अभी का तो नहीं कह सकता, अब जो गाड़ी आ गई है। हाँ। बाकी अगर डायमेंशन वाइज देखी जाए, हाँ, तो ये फॉर्च्यूनर एंडेवर से ज्यादा चौड़ी है। अगर डायमेंशन कभी देखना नेट पे। पर वेट हेक्टर में ज्यादा है। वेट कितना है? वेट हेक्टर में इससे ज्यादा है कंपेयर, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। 1600 या 1700 किलो कुछ वजन है हेक्टर में, थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। प्लस में जैसे अपन चलाते हैं, हैंड ब्रेक आपको अजीब नहीं लगता? नहीं, या पायलट वो आती है पूरी फील? कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं लॉन्च पैड। लॉन्च पैड, अच्छा पैड है। अच्छा, ये लॉन्च पैड है आपका? लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड है। इसको डाउन करता हूं जब मेरी गाड़ी स्टार्ट चलती है आगे। बाकी ठीक है, ये अब नहीं आता। ये तो अब नहीं आता ना, हटा दिया। अब तो बटन दे दिया इसमें। नहीं, वो तो उसमें दे रखा है मैनुअल में, मेरे ख्याल से बेस मॉडल में ये दे रखा है। अब वाली में जो आ रही है, हाँ, लेटेस्ट वाले में देखा। और बेस मॉडल में यही वाले अलॉय दे रखे हैं इन्होंने। हाँ, शायद बेस के ऊपर में जो दे रखा है, क्योंकि उस टाइम भी इसमें डायमंड कट आते थे, इससे ऊपर वाले। हाँ, इससे ऊपर वाले में आते थे। पर मेरे को जैसे इसमें अलॉय मिल गया, और मेरे को ये थोड़ा ना, ये मॉडल था ग्रे कलर में अलॉय है, जैसे थोड़े से पेंट करा रखे हैं आपने। नहीं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं ना ये डार्क। जब गाड़ी जब परचेज करी तो मैंने उनसे पूछा था, ये व्हाइट तो नहीं है, मतलब वैसे सिल्वर तो नहीं है? तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी कि ये ऐसे है, तो फिर मैंने कहा फिर ठीक है, मेरे को सिल्वर बुरे लगते हैं। एवरेज क्या देती है, सही बताना? लोकल में, मैनुअल में? लोकल में देती है 10-12 की एवरेज। सेम वही मेरे वाले इंजन हाईवे पे तो चलाने के ऊपर, मैंने तो 22-23 तक निकाली है। हाईवे पे 22-23 निकाली है? निकाली हुई है मैंने आराम से। अगर मैं नॉर्मली डेली चलता हूँ ना, जैसे अगर हाईवे पे ड्राइव करूंगा तो नॉर्मली 19-20 तो हमेशा निकाल लेता हूँ। अच्छा, नहीं मेरी वाली हाईवे पे 15 लास्ट। 16 कुछ तो उसकी कंपनी क्लेम करती है वैसे भी। 17 मेरी क्लेम करती है। अच्छा, 16 करती है पर 19-20 निकाल दे तो 22 भी आराम से। सब गाड़ियां निकाल देती हैं, चलाने का फर्क है थोड़ा बहुत। चलाने ऑटोमेटिक का मन नहीं था या ली नहीं? नहीं, ऑटोमेटिक का मन भी नहीं था, मन ही नहीं था ऑटोमेटिक का लेने का। अच्छा, फिर थोड़ा कुछ बजट से बाहर जा रहा था ऑटोमेटिक। हाँ, वो बजट आप बता रहे हो, नेक्सॉन देख रहे थे, फिर भी बजट थोड़ा ऊपर करा। नेक्सॉन देखने के बाद जब हैरियर ले ली, हाँ, तो बजट तो ऊपर हुआ ही है। वो उसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए का, 4-1 लाख का फर्क था उसमें। अच्छा अच्छा, प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 लाख का फर्क दिख रहा था? नहीं नहीं, बेसिक में ही था शायद इतना। अच्छा जी, लगभग इतना होगा, क्योंकि मेरी ये 19-19.5 की मैंने बताई है, वो लगभग अपने 23-24 की पड़ती है। 23-24 की? हाँ, उस टाइम पे 22 कुछ की थी, 22.5 लाख की थी वो। हाँ, 22 के करीब थी, 22-23। हाँ, 22 के करीब थी। अब जैसे आपको सेफ्टी तो टाटा का जैसे लोहा बढ़िया है, सेफ्टी जब चलाते हो रोड पे चिपक के चलती है गाड़ी। आपने टायर चेंज कराए हैं इसके? कितने किलोमीटर पे चेक कराए? टायर मैंने शायद 55,000 पे कराए थे चेंज इसके। कितने का टायर लगाए? एक टायर मेरा मिशलिन का टायर डलवाया है, ये 13,800 का एक टायर था मेरा। मोटा मोटा 14,000 का एक टायर, 14,000 का एक टायर मान लो। अच्छा, और अभी चेंज कराया आपने? हाँ, अभी ये देख लो 7-8,000 किलोमीटर चले हैं, बाकी टायर बहुत बढ़िया है। तो 50,000 कंपनी वाले टायर चले हैं आपके? कंपनी वाले, हाँ कंपनी वाले चले हैं। कुछ अलाइनमेंट का इश्यू था गाड़ी में, उसकी वजह से अपना मेरा एक टायर खराब हो रहा था टायर। अच्छा, तो बाकी जब चेंज करवाया तो उनमें माल काफी था फिर भी, पर मैंने चेंज करा दिया, उनमें दिक्कत आ रही थी, गाड़ी बबलिंग होती थी उससे। अच्छा, वो घिसे नहीं थे पर आपने अपने कन्वीनियंस के लिए बदलवा लिए मैंने। हाँ, अच्छा, क्योंकि एक टायर दो टायर डलवाता फिर दो अलग होते तो फिर। पर अब इसके नेगेटिव बता दो, चलो पॉजिटिव तो बताया आपने अच्छे खासे। नेगेटिव तो इसका एक तो स्टीयरिंग का है स्पीड पे, ठीक है, इसमें थोड़ी दिक्कत आपकी है। हाँ, स्टीरियो में दिक्कत है, स्टीरियो में दिक्कत है। बाकी इसका क्लच बहुत टाइट है, शुरू से ही टाइट है। मैनुअल चलाने के हिसाब से बहुत टाइट है, ये क्लच बहुत टाइट है, शुरू से ही टाइट है इसका। और अब भी जो मैनुअल आ रही है उसमें भी टाइट है, और बहुत डीप जाता है अंदर तक, डीप जाता है वो घुटने में, वो फील होता है कि बार ये चीज। हाँ, ये चीज बार बार दर्द करती होगी ये। अब ट्रैफिक कई लोगों को दिक्कत होती है, पर ये एडजस्ट करने में ना दिक्कत नहीं आती है मेरे जैसे लंबा हो तो मैं पीछे कर लेता हूँ तो मेरा टच नहीं होता है। हाँ, ये आप हाइट वगैरह से, हाइट वगैरह से नहीं, दिक्कत नहीं आती। हाँ, वो तो फर्क पड़ता ही है। जैसे अपन हेक्टर का भी क्लच बहुत हैवी है, डीजल में, मतलब डीजल के हिसाब से हैवी है इनका क्लच, इंजन का जो बना रखा है डीजल के हिसाब से हैवी है इनका। एक टाटा में एक कंप्लेंट है, लोहा जंग खाता है इनका हैरियर में बहुत। जगह मेरे में एक दो जगह आई है पर वो वारंटी में हो गया है मेरे तो।
मतलब वो चेंज कर देते हैं? नहीं, वो उसको रिपेयर कर देते हैं, चेंज करने लायक होगा तो चेंज करेंगे, ज्यादा रस्ट हो जाएगा तो चेंज कर देंगे, नहीं तो वारंटी में आपका। अब जैसे आपने बाहर देखा हो आपके ड्रम ब्रेक्स में जंग है, वो जंग इस वजह से नहीं है, वो जंग इस वजह से है क्योंकि जब वो ड्रम को जब साफ करते हैं ना तो हथौड़ा मारते हैं उस पे, जहाँ पे हथौड़ा लगता है वहाँ का पेंट हट जाता है, इसलिए वहाँ पे जंग आ जाती है। अच्छा, इस वजह से वो जंग है। ऐसा कोई पैनल है जो चेंज हुआ जंग की वजह से? नहीं। अच्छा, वो उन्होंने पेंट करा वापस? माइनर से थे, थोड़े बहुत जरा जरा से थे, एक दो जगह थे। मतलब ये दिक्कत आती है? हाँ आती है। बट इसी जगह मैं ये पूछूंगी, आपने एक इसके बाद भी पंच ली जैसे आप बता रहे हो? पंच में नहीं है। आपने इसके बाद पंच ली थी ना, कितने साल बाद ली? मतलब वो कौन सा मॉडल है पंच? इसके एक साल बाद पंच ली है, टाटा ही ली वापिस, जबकि दिक्कत थी कि क्लच की है, फादर को चलानी थी और वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक है, वो टॉप मॉडल है, उस टाइम जब लॉन्च हुई थी तो टॉप मॉडल लिया था हमने उसका। वो कितने? वो तो चलो उसकी तो बात अलग है, पर लेकिन वो मैनुअल नहीं ली फिर आपने? नहीं, वो एक्चुअली फादर की एज 58 प्लस है ना, तो हाँ तो वो फिर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने ये भी चलाई थी। हाँ मैनुअल ये चलाने में बहुत वो है। अच्छा अच्छा, तो उनको ऑटोमेटिक ला दी तो आसानी रहती है गाड़ी चलाने में, फन टू ड्राइव है वो भी, ठीक है अपनी सही बढ़िया गाड़ी है वो गाड़ी बढ़िया, उसमें कोई जंग की प्रॉब्लम नहीं और कुछ उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ये जो इस चीज को ठीक किया है टाटा ने बाद में, उसमें तो ठीक है, बाकी आगे आगे तो और बढ़िया हो रहा है, वो तो दिख रहा है टाटा इम्प्रूव कर रहा है, जो जो कमी होती है कस्टमर से फीडबैक लेके उस चीज को वो सॉल्व कर ही रहे हैं। मतलब गाड़ी लेने के बाद तो जी आफ्टर क्या आपको वो हो रहा है, आपको आफ्टरली ठीक मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि टाटा इस चीज को कर रहा है, वो चीज पर तो थोड़ा कई नहीं कंपनियां नहीं करती कि आफ्टर सेल कुछ भी नहीं है उनकी, कुछ भी किसी किसी मतलब का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाता है सर्विस सेंटर पे, किसी का बढ़िया रहता है, अब सर्विस सेंटर पे जाओ आप फीडबैक देखो, कई लोगों के तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिलेंगे, कईयों के खराब मिलते हैं, तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस हो जाता है, अलग अलग हो सकता है। चलो भैया, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना टाइम दिया। अरे नहीं, थोड़ा बिजी रहता हूं सर्विस में काम। ठीक है भैया, बाकी भाई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।